कार इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने गणतंत्र को एक नया उपहार, एक निर्णय सीधा गण के हाथ में देने का फैसला किया है। हमारी जितनी भी पंचायतें हैं, सभी 204 पंचायतों में से जींद को छोड़कर, क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, सभी को एक निर्णय लेने का अधिकार दिया है। उस दिन सभी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित होगी और ग्राम सभा एक फैसला करेगी कि इस गांव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्व का काम कौन सा है। एक सबसे टॉप प्रायोरिटी का काम, एक सर्वाधिक प्राथमिकता का काम, कि ये काम गांव के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, उसका निर्णय ग्राम सभा करेगी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। दो लेवल रखे हैं, जिन ग्राम सभाओं की आबादी कम है वहाँ 15 लाख रुपए, और जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ 20 लाख रुपए। इतने बजट का काम ग्राम सभा खुद निर्णय करेगी और ग्राम सभा द्वारा किए गए निर्णय को ऊपर एस्टीमेट बना के भेजा जाएगा और अगले आर्थिक वर्ष में, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, सरकार उस काम को प्राथमिकता के आधार पर इम्प्लीमेंट कराएगी। यानी ये अगर 1000 से 1200 करोड़ रुपए का बजट इस काम के लिए डेडिकेट होने वाला है, 1000 से 1200 करोड़ रुपए का बजट इस काम के लिए डेडिकेट होने वाला है। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि जो देश का गणतंत्र दिवस है, जनतंत्र दिवस है, उस दिन वास्तविक ताकत हमारा जन महसूस करे और एक खुद मिलकर निर्णय करे, और उस निर्णय के आधार पर वो सबसे अधिक प्रायोरिटी का काम वहाँ आने वाले, मैं कहूँगा कि अगले 3-4 महीनों में वहाँ इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखे कि जो उन्होंने तय किया था वो काम गांव में उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से संपन्न हुआ। जो ही मैं कहूँगा कि आचार संहिता से पार जाएंगे लोकसभा की, तुरंत उस काम का क्रियान्वयन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बजटीय प्रोविजंस के बारे में तो अभी से बात होगी, क्योंकि जो बजट हम रखेंगे उसी में वो सब चीज़ें आएंगी। तो उस नाते से अभी से ये प्रोसेस करते हुए, और जो नेक्स्ट इकोनॉमिक ईयर का बजट होगा, आर्थिक वर्ष का, उसमें एक काम सबसे अधिक प्राथमिकता का काम गाँव की ग्राम सभा स्वयं तय करके निर्धारित करके देगी। ये सामान्यतः हमारे यहाँ गांव औसत रूप से, अगर मोटा विभाजन करूं तो दो हिस्से हो सकते हैं। एक हैं जिनकी आबादी 3000 से कम है और एक आबादी जिनकी 3000 से अधिक है। पंचायत नहीं, ग्राम सभा। पंचायत तो सारे काम करती है, पंचायत की अपनी प्रायोरिटी होती है और गांव की अपनी प्रायोरिटी होती है, इसी के एक बारीक लाइन है। तो सर, मेरा सवाल ये है कि जो ग्राम सभा काम तय करेगी, क्या ये पहले तय करने की उनके पास शक्ति नहीं थी क्या? और ये
देखिए, ऐसे डायरेक्ट ग्राम सभा को कभी भी ये नहीं था। ग्राम सभा की मीटिंग दो बार जरूर साल में होती है, पंचायत अपना ब्यौरा रखती है, अपनी GPDP भी रखती है, लेकिन निर्णय आखिर में पंचायत के हाथ में आ जाता है और पंचायत अपने निर्णय के हिसाब से चीज़ों को, जो पंचायत को फंड मिलते हैं उसको पंचायत इंप्लीमेंट करती है। हमेशा पंचायत की प्राथमिकता और गांव की प्राथमिकता, अगर आपको आप डायरेक्ट गांव से बात करते हो तो गांव की प्राथमिकताएं कुछ अलग प्रकार से निकल कर आती हैं। तो ये सीधा एक बड़े हाउस को, एक फुल हाउस को, एक टोटल हाउस को ये काम दिया गया है कि वो हाउस विचार करे, निर्णय करे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी विभाग मंगाएगा, केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल एक निर्णय आ गया, ऐसा नहीं है, उसका रेजुलेशन आए, वो तो पहले से जो सारे सिस्टम चले हुए हैं, जैसे अभी पंचायती राज विभाग में पूरी एक इंजीनियरिंग विंग है, वो सारा काम देखती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, पंचायत भी काम कराती है, टेंडर देकर कराती है, लेकिन देख रेख हमारे ही इंजीनियर करते हैं, जूनियर इंजीनियर करते हैं, FDOs करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो तो जाएगा पंचायत के थ्रू ही और उसी सिस्टम से काम होगा। लेकिन काम तय करने का अधिकार जो कहीं ना कहीं पंचायत, जैसे आप देखते हो ना सरकारों में जो एग्जीक्यूटिव इकाई है वो मंत्रिमंडल है, गाँव में एग्जीक्यूटिव इकाई जो है वो पंचायत है, तो वहाँ निर्णय प्रक्रिया पंचायत के हाथ में रह जाती है। लेकिन यहाँ निर्णय प्रक्रिया, आप इसको इसकी तुलना ऐसे ही कर सकते हो जैसे हाउस में कोई काम मंजूर करा लेता है, आश्वासन ले लेता है, तो सरकार को हाउस में आश्वासन दिए हुए काम प्रतिपक्ष के लोगों के भी या टोटल हाउस के एसेंस के हिसाब से भी करने होते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ वर्क कौन करता है? सरकार करती है, अपनी इच्छा से करती है। यही है, गाँव का फुल हाउस बैठ कर निर्णय करेगा, गाँव के निर्णय के आधार पर उस काम को करने वाले हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल निर्णय है, डायरेक्ट बजट ग्राम सभा की इच्छा से, डायरेक्ट बजट गांव की तय किए गए निर्णय के हिसाब से बड़ा स्टेप लिया गया है, बड़े बजट भी इसमें लगने वाला है और एक तरह से लोकतंत्र डायरेक्ट इससे समर्थ हो रहा है। नीचे तक डिसीजन मेकिंग का हम हिस्सा हैं, लोग फील करेंगे हमने बैठ के तय किया है ये काम होना चाहिए। इसमें एक एहसास भी आएगा कि हम सब निर्णय करने वाले लोग हैं, मेजोरिटी निर्णय करने वाली है। तो ये एक बड़ा कदम, और मैं कहूँगा कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह का कदम ले रहा है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे गण की भावना को समझते हुए उसके निर्णय के हिसाब से किसी एक काम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए, लोकसभा के बाद कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा नहीं, और उसके चयन होने के बाद, उसके बाद हमारे पास महीने हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, अगला कोड ऑफ कंडक्ट जाके ऐसी अभी कोई संभावना नहीं है। और हम इसका बजटरी प्रोविजन कर रहे हैं, इसी समय कर रहे हैं, इसी बजट सत्र में कर रहे हैं, तो ये निर्णय अगर इतनी पहले से नहीं चलाएंगे तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। अगर टेंडर उससे पहले होते हैं तो वर्क अगर अलॉट हो जाता है तो उससे पहले भी हो सकते हैं। अगर मान लो आचार संहिता देरी से, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक में जो है आचार संहिता आने की संभावना है लोकसभा की। नहीं, वो बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल, ग्राम सभा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई बात है इसमें। एक निर्णय वही ग्राम सभा करके ही उठेगी। एक सामान्य बड़ी एक प्रस्तावना रखना, उस पर एक आम सहमति ले लेना, फिर निर्णय एग्जीक्यूटिव रिसोर्सेज के हिसाब से अपना करना, ये पंचायत के हाथ में रहता है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट हाँ बिल्कुल, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग में मैंने मान लो हमने 10 काम सोचे, पंचायत ने 25 काम सोचे, GPDP में तो सारे हैं, ग्राम सभा सब की यहाँ करती है, लेकिन पंचायत को जब रिसोर्सेज मिलते हैं तो इम्प्लीमेंट कौन सा होता है? जो पंचायत की प्रायोरिटी होती है। तो पंचायत की प्रायोरिटी की बजाय यहाँ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में आ गया? ग्राम सभा के हाथ में आ गया। यही अंतर है, यहां निर्णय ही हो गया कि ये काम होना है।
इसलिए हिस्टोरिकल है, इसलिए बड़ा है। नहीं मैं बता रहा हूं ना आपको, आपसे आपसे 25 कामों की प्रस्तावना होती है, 10 कामों की प्रस्तावना होती है, जीपीडीपी में सारे काम होते हैं कि ग्राम का प्लानिंग क्या, उस 10 में से उस देश में से 3 काम मानो होने हैं, वो पंचायत फैसला, वो फैसला फैसली करती है, यहाँ ये फैसला, ये फैसला ग्राम सभा, ग्राम सभा करेगी, ग्राम सभा में 10 काम पास हुए, ग्राम सभा ने 10 काम पास कर दिए, उसमें से होने 3 है, हाँ तो कौन से 3 होने, प्रायोरिटी किसने तय की, किसने फैसला किया, पंचायत सभा ने किया ना, वो इनको नहीं जर्नल किया, जनरल कर दिया, प्रायोरिटी किसने तय की, पंचायत ने, 15 लाख में या 20 लाख में केवल एक काम होगा, हाँ एक काम जो भी उस गांव के लिए, सबसे चाहे तो चौपाल बननी हो, चाहे कोई तालाब की रिटेनिंग वाल बननी हो, चाहे कोई नया तालाब खोदा जाना हो, चाहे कोई नालियां बननी हो, जितने भी तरह के पंचायत के, कोई गली बन रही हो, कोई फिरनी बननी हो, कोई मैं कहूँगा कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम होना हो, जो भी वो जो भी वो त्याग करते हैं, अभी इस लिमिटेशंस के साथ रखा है, उस लिमिटेशंस के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वैसे बहुत सारी और योजनाओं के साथ बहुत काम होते हैं, इस काम को पर्टिकुलरली एक सीमा में इसलिए रखा है क्योंकि बजटीय लिमिटेशंस हैं, बजटीय लिमिटेशंस को ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए इस समय ऐसी कोई जानकारियां नहीं है, इस समय की बारिश वैसे जब फसल पकाओ पर आती है उस समय जो बारिशें होती हैं उसका नुकसान होता है, बाकी तो दिसंबर जनवरी की बारिश को बहुत अच्छा मानता है किसान, कहता है सोना चांदी बरस रहा है, तो ज़्यादातर ये बारिश फसल के लिए शीतकालीन वर्षा बहुत अच्छी मानी जाती है, कहीं बहुत ही ज़्यादा अति उसकी होती है ऐसी कोई शिकायतें अभी आई नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, तो ऐसी कोई शिकायतें नहीं है। मैं अपनी बात तो पूरी करूं, इसी तरह से 14 फरवरी को इस पर कुछ बात थी, 14 फरवरी को हमने एक सरकार के साथ युवाओं का एक संगठन खड़ा किया था, ग्रामीण विकास के लिए तरुण, यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसके लगभग 10,000 वॉलंटियर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिन्होंने 5-5 दिन की ट्रेनिंग ली हुई है सरकार के साथ, और वो एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं सरकार और लोगों के बीच में, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उनका लाभ मिले उसको सुनिश्चित कराने में मदद करना, बीच बीच में वो कई और भी काम लेते हैं, जैसे जल बचाव के लिए टूटी लगाओ एक अभियान लिया उन्होंने और प्रदेश भर में 1,00,000 टूटी लगाने का लक्ष्य लेकर पूरा किया, इसी तरह से बीच में वृक्षारोपण के काम में भी बहुत जोर से वो लगे, तो अवेकनिंग का काम, और उनका मुख्य ध्येय है कि मेरे गांव की सेवा ही मेरे देश की सेवा है, भारत माँ ग्राम वासिनी है, हम अपने गांव की सेवा करके ही अपने देश की सेवा करते हैं। 14 फरवरी को ऐसे युवक युवती जो 10,000 की संख्या में वॉलेंटियर्स के रूप में काम करते हैं उनकी एक दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है गन्नौर में, उनकी एक दिन की कॉन्फ्रेंस होगी 10,000 युवक युवतियों की गन्नौर में, जो हमारी ये मंडी बनने वाली है हॉर्टिकल्चर की, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, उस परिसर में उनका कार्यक्रम रखा है एक दिन भर का, कि वो जो उनका मोटिवेशन है वो और ज़्यादा हो और तेज़ी के साथ सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, इम्प्लीमेंट कराने में, चीज़ों को ठीक रूप से आगे बढ़ाने में, और उनका जो स्वयंसेवक भाव है अपने गाँव की सेवा का, वो स्वयंसेवक भाव भी और उनका विकसित हो, इस नाते से वन एक दूसरी सूचना पंचायती राज विभाग की मैंने आपसे साझा करनी थी, वो उनका वन डे कॉन्फ्रेंस है गर्वित के वॉलंटियर्स का, यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो बहुत ही महत्व की सूचना मैंने आपके साथ शेयर की है, ऐसा निर्णय इससे पहले कभी हुआ नहीं, किसी और राज्य ने भी किया नहीं, हम पहली ऐसी सरकार हैं हरियाणा बनने के बाद और अन्य राज्यों की तुलना में भी जो डायरेक्ट ग्राम सभा को एक निर्णय जिसमें बजट इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट वो करने की जो है उनको निवेदन कर रहे हैं, और उससे जो भी कोई ऐसे वर्षों से लोगों के मन में काम होते हैं कि ये काम अटका हुआ है ये होना ही चाहिए प्रायोरिटी पे किसी कारण से नहीं आ रहा, तो वो प्राथमिकता पर आएंगे।
आज गणेश जी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि भाई बहुत बहुत जन्मदिन अभिनंदन है उनको, और आपके सवाल नहीं आने हों तो मैं उनका स्वागत भी कर देता हूँ, उनके लिए गिफ्ट भी मैं लेकर आया हूँ। कहो दिनेश जी। लाओ भाई, आपके बर्थडे का बहुत अच्छी पुस्तक है, टिकनाथ हंसू लिखी हुई, बहुत देखिए, मैं लोकदल जजपा वाले विषय पर तो ये कहूँगा कि भाई हमारी एक ग्रामीण लोग कई बार बड़ी सटीक मिसाल देते हैं। एक चाचा भतीजा खेत में चले गए, गर्मी के दिन थे, सर्दी में तो चद्दर वद्दर ओढ़ के जाते हैं, और वहाँ मधुमक्खी का छत्ता जो है वो छिड़ा हुआ था, और दोनों को लग गई मधुमक्खियाँ। अब दोनों भागे, इधर उधर देख रहे थे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे मधुमक्खी से बच जाएं, तो चाचा को एक पल्ली मिल गई और उसने अपना चेहरा वेरा फटाफट ढका बचने के लिए। तो भतीजे ने बहुत करुणा से कहा, रे चाचा खा गई। बोला अब ना कोई चाचा भाई ना कोई भतीजा, अपनी अपनी जान बचाओ। तो ये दोनों दल तो अब ऐसी स्थिति में है, ये बहुत सटीक ये है कि कैसे कैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अस्तित्व को कैसे बचाया जाए जो अस्तित्व का संकट है। रही बात, मैं जींद में जाके आया हूँ, लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं। लोगों ने कहा कि कोई MLA बना हो तो फिर दोबारा MLA बनने के लिए आए। लोगों ने पूछा क्या एक आदमी दो सीट से रह सकता है? मैंने कहा नहीं, जैसे हिंदू दो बीवी नहीं रख सकता, ऐसे ही कोई व्यक्ति दो विधायक की सीट नहीं रख सकता। तो लोगों ने कहा कि फिर क्या लगता है कि ये कौन सा छोड़ेंगे? मैं कहा देखो, वो तो उनका निर्णय होगा कौन सा छोड़ेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने साफ लिखी हुई है जींद के प्रचार में, जींद बदलेंगे। सब जगह होर्डिंग लगाए हुए जींद बदलेंगे, तो उनका मैसेज तो क्लियर है, जींद के लोगों ने समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में है, लोग उनको विजयी बनाएंगे। देखिए, परिवार की तरफ से आ रहे हैं और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आ रहे हैं, इसकी जानकारी तो उन्हीं को ज़्यादा होगी जो कंसर्न आदमी होता है। लेकिन एक मैसेज लोगों में सब में है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ आने का नुकसान हो गया दिग्विजय को, क्योंकि पहले रणदीप पर जो आरोप था SYL का विरोध करने का, वही केजरीवाल पर भी है कि पंजाब के चुनाव के समय जहां ये उनका घोषणा पत्र दिखा रहे थे कि SYL का पानी केवल पंजाब के लिए मिलना चाहिए, वही केजरीवाल जी कर रहे थे अपनी वोटों के लिए कि हरियाणा का SYL के पानी पर कोई हक नहीं है। ये तो उनको हमने आपने चेताना पड़ा, जब आपको याद है चिट्ठी भेजनी पड़ी, भाई हम ही ला रहे हैं वहाँ से तेरा पानी भी, और तेरे तक पहुँचा रहे हैं और उसी चैनल से ला रहे हैं भाकड़ा मेन लाइन से, आप बात क्या क्या बात बोल रहे हो? तो इसलिए ये दोनों SYL विरोधी आदमी का टैग लग गया है, और हरियाणा का आदमी इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है पानी के विषय को लेकर। तो इसके कारण से मुझे लगता है कि आप पार्टी के साथ आने से उनका नुकसान हो गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कहीं अभी तक तो कोई उनकी कोई शुरुआत हुई हो आप पार्टी की किसी जगह से हम ये कह सके कि उनका कोई स्थान है, लेकिन नुकसान जरूर हो गया। देखिए, बहुत पहले से चली हुई प्रक्रिया थी, आचार संहिता में नई चीजों को रोका जाता है, जो नई चीजें शुरू करने वाले हों, जो पुराने सब इंटरव्यू हो गए थे, सारा काम हो गया था, तो कोई नई बात तो उसमें थी नहीं।
क्योंकि आचार संहिता नई चीजों को शुरू होने से रोकती है। सर, किसान पेंशन के ऊपर गुणनाथ सिंह तरूनी ने कहा कि पेंशन दीजिए, कर्ज माफी। देखिए, सब अलग अलग प्रकार की आकांक्षा रखने वाले लोग होंगे, स्वाभाविक है, होने भी चाहिए, नहीं तो मजा क्या आएगा। लोकतंत्र का या दुनिया के कलरफुल होने का आनंद ही यह है कि सब तरह के सुझाव आए, लेकिन मत अनेक, निर्णय एक। जब अनेक प्रकार के मत आते हैं तो सरकार विचार करती है, सरकार निर्णय करती है अपनी प्रायोरिटी के आधार पर। सब प्रकार के विचारों का स्वागत रहता है, सब प्रकार के विचारों पर विचार भी करना चाहिए, लेकिन निर्णय अंत में एक होता है और सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करके, जिस सरकार को जो लगेगा कि ये निर्णय सबसे बेहतर है, उसी निर्णय पर बढ़ने वाली है। देखिए, हर राज्य की अपनी प्राथमिकताएं हैं और हमने किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता बनाया, और दो बातों को डंके की चोट पर हम कह सकते हैं। जोखिम फ्री करने के लिए 3640 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं इन 4 सालों में, किसी ने नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात मैं कह सकता हूं कि भाव मिलना एक बड़ी घोषणा हुई, आपको मालूम है, मैं तो उसकी लड़ाई कितने वर्षों से लड़ रहा था, लेकिन भाव के हिसाब से खरीद होना, इसका सर्टिफिकेट भी केवल हरियाणा के पास है, और राज्यों ने उस प्रकार से खरीद नहीं की, और खरीद नहीं की पिछली फसल पर, क्योंकि खरीफ की फसल से लागू हुए थे। हमने खरीद की और रबी की फसल पर भी उसी प्रकार की खरीद करने की हम पूरी तैयारी पर हैं, उसी कमिटमेंट के साथ जिस प्रकार से खरीफ की फसल पर हमने खरीद की। तो ये एक तरह से दो बड़े काम हम करने में कामयाब हुए, अच्छा भाव अनाउंस होने के साथ किसान की जेब में उसका पैसा जाना, और दूसरा जो है जोखिम फ्री करके उसको, ओलावृष्टि हो, कोई पाड़ा पड़े तो उसके खेत में नहीं पड़े, हमारे यहाँ पड़े। गन्ने का भाव सबसे अच्छा देश में जब कहीं नहीं बढ़ रहा था, तब भी हमने इस बार 10 रुपये बढ़ाए हैं, यानी आप मोटे तौर पर कह सकते हो 4 वर्षों में 40 रुपये बढ़ना, और 400 क्विंटल अगर उसकी उपज हो रही है जो होती है, तो 16,000 रुपये की बढ़ोतरी है भाई साहब इस सरकार के समय में, और किसी की 300 क्विंटल भी होती है तो 12,000 रुपये की बढ़ोतरी है, जो मामूली नहीं, बड़ी बढ़ोतरी है। तो एक उसकी आमदनी बढ़ाकर समृद्ध करने के हम रास्ते पर हैं, उससे आगे की भी कुछ बातों पर हम विचार कर रहे हैं। जैसे कहा कि पेंशन का विषय आपने उठाया, सरकार के विचार आधीन है, अभी निर्णय नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें कैसे उसकी समृद्धि आए उसके घर में, ये सरकार की प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि शायद अभी तो ये आया कि गुजरात ने शायद उसको उसी रूप में शायद आगे बढ़ाया है। हम अभी बैठने वाले हैं इस विषय पे, तो जब भी बैठकर कुछ चीज़ें तो यहाँ पहले से ही चल रही थी, तो उस नाते से तो हम कहेंगे कि हम पहले हैं, लेकिन उसके अंदर के समतुल्य कैसे खड़ा होना, उस पर कोई भी चीज़ अगर होनी है तो वो होंगी। हाँ, कमेटी विचार कर रही है, कमेटी भी तभी बनती है ना जब सरकार में कहीं मूल विचार शुरू होता है, तो कमेटी का निर्णय भी सरकार का तभी है ना जब सरकार के मूल विचार में कहीं ना कहीं ये विषय है। कमेटी उसकी स्वरूप, उसकी क्वांटिटी, उसका टाइम पीरियड, ऐसे सब विषयों पर विचार कर रही है, उसकी सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो कमेटी को आपने कोई टाइम अमाउंट किया? जल्दी देने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार को करने के जो कार्यकाल है या समय बद्ध है, वो सब चीजें जो भी आगे बढ़ानी है, वो अगला आर्थिक वर्ष ही उसके सामने है, तो उस अगले आर्थिक वर्ष में कुछ करना है तो इस बजट के साथ ही चीजें जाएंगे। निर्णय अभी नहीं, अभी नहीं कहा मैंने कहा विचाराधीन है, निर्णय आएगा, चीजें जो इम्प्लीमेंट होनी है उसका कैलेंडर तो यही है ना सबके सामने, तो इसलिए मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। जितने मैंने कहा है सरकार के विचार, सरकार निर्णय, धीमान जी, सरकार निर्णय होने के बाद बताती है, सरकार निर्णय हुए बगैर कभी नहीं बताती। हाँ, सरकार की ने विचाराधीन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, सरकार के ये विषय विचाराधीन है। एक बार फिर से ही आ रही है कि जीत इलेक्शन अगर जीतती है वाई इलेक्शन बीजेपी,
अभी तक तो हमारा निर्णय यही है कि हम चुनाव अपने समय पर कराएंगे। लेकिन सर जो बैठे हुए चुनाव आयोग के साथ अभी बैठ बैठ परसों भी चुनाव के साथ बैठे थे, सर यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इसमें इस संभावना पर भी चर्चा की जाती है, तो दोनों चुनाव साथ में तैयारी कैसी? देखिए बहुत समय से ये विषय चल रहे हैं पूरे, एक बार तो पूरा देश का चुनाव भी साथ होने की बातें चली हैं, और ये जिन राज्यों के चुनाव नज़दीक हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, ऐसे सारे विषय चल रहे हैं, एनवायरनमेंट में है, लेकिन अभी हरियाणा का जो विचारित मत है वो मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू भाई। केक भी अरे जी आपको अभी उसी हिसाब से जाएगा।